आज हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, जो आए दिन खबरों में कार्यालय लेट पहुंचने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड कर अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। अगर कहीं सेटिंग हो जाए तो वर्षों कर्मचारी ऑफिस ना पहुंचे फिर भी सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि सेटिंग भी कोई चीज होती है। एक ऐसा ही मामला शाहजहांपुर जिले में संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि बदायूं जिले के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कार्यालय बदायूं में तैनात लिपिक जगतपाल लगभग 15 वर्षों से शाहजहांपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र जलाल नगर बजरिया निगोही रोड पीपल के पास जगतपाल क्लासेज प्रतियोगिता अध्ययन केंद्र चला रहे हैं, जिसमें लाखों की मासिक कमाई बताई जा रही है। अब ऐसी स्थिति में है, बगैर प्रशासनिक अधिकारियों की सेटिंग इतने लंबे समय से कोचिंग सेंटर चलाना असंभव है। आप समझ सकते हैं कि बगैर कार्यालय जाए रजिस्टर पर अटेंडेंस कैसे लगती होगी, या महीने में एक बार जाकर पूरे महीने की अटेंडेंस लगा दी जाती होगी। अगर ऐसा है तो इसे सेटिंग ही कहेंगे। बच्चों से मिली जानकारी के अनुसार इस केंद्र में बच्चों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। इसके कई कारण हैं। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा है बैंकिंग रेलवे GTI पुलिस राजस्व निरीक्षक, इससे समीक्षा अधिकारी TGT PGT आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए एकमात्र स्थान। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सभी लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखने का मतलब ही कुछ और है। छात्र इस बात से गुमराह हो जाते हैं कि कोचिंग सेंटर संचालक जगतपाल स्वयं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में लिपिक है और इनसे नौकरी में सेटिंग भी हो जाएगी। कुछ छात्र तो ये भी बोल रहे हैं कि कोचिंग संचालक की सेटिंग अच्छी है, तभी तो सरकारी नौकरी करते हुए कंटिन्यू क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो दूसरे की मजाल क्या। वहीं जगतपाल सरकारी कर्मचारी होते हुए सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्वयं क्लासेस अटेंड करते हैं। ऐसा मैं नहीं, क्लासेस अटेंड करते समय बनाया गया वीडियो और वहां पढ़ने वाले छात्र बता रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में स्वतंत्र प्रभात द्वारा लिपिक जगतपाल के बदायूं कार्यालय के उच्च अधिकारियों से कार्यालय पहुंचकर जानकारी चाही गई तो उन्होंने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि तैनाती तो बदायूं कार्यालय में है, लेकिन कभी कभार शाहजहांपुर कार्य से भेज देता हूं। वहां उनके रिश्तेदार हैं जहां पर 10-20 बच्चों को कोचिंग पढ़ा देते हैं। इसमें क्या गुनाह करते हैं? उच्च अधिकारियों के बयान सेटिंग की ओर इशारा करते हैं। वहीं बच्चे 8 बजे से 2 बजे तक क्लासेस अटेंड करने की बात कह रहे हैं।